आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुतिन की बायोग्राफी तो कर दी, व्लादिमीर जेलेंस्की की बायोग्राफी करेंगे। मेरे जो कंटेंट राइटर है प्राची, वो कहती कि सर लगता है आप युद्ध यहीं पर ही करवा दोगे ना, चैनल पर युद्ध हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं तो व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में आज हम बात करेंगे। तो कॉमेडियन प्रेसिडेंट से कैसे एक रिस्पेक्टेड लीडर बने हैं ये, ठीक है, मैं आपको आज बताऊंगा। हीरो है ये, देखिए आप कुछ भी कहिए, ही इज अ हीरो। शुरुआत में मैंने खुद भी इनको धर के गरियाया था, सब गरिया रहे थे, इनको गालियां दे रहे थे। याद करिए जब मैंने जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन, अगले दिन तक इनको बहुत लोग गालियां दे रहे थे कि भाई तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। ये तो बात अभी भी हम कह रहे हैं और इसमें मैं अडिग हूं कि इनकी गलती की वजह से आज यूक्रेन में वॉर हो रही है। लेकिन उसके बाद इनका एक वीडियो आता है, एक मिनट में जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, ये कर दिया इन्होंने। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि एक कॉमेडियन थे, इन्होंने अपना कॉमेडियन करियर, कॉमेडियन क्या मतलब एक्टर है ये, ठीक है, कॉमेडियन कॉमेडियन बोला जा रहा है, एक्टर है ये। 1997 रोमांस इन द ऑफिस कुछ करके एक प्रोग्राम था, पेडिंगटन एक प्रोग्राम था, 2017 में ही आया था, बिग सिटी उसके 3 पार्ट्स आए हैं। तो वो ये एक मतलब यू कैन से दैट ही इज एन एक्टर, नॉट अ कॉमेडियन, बट यस कॉमेडी बड़ा पसंद करते हैं ये। लेकिन जो सर्विंग्स ऑफ द सिटी, ये जो इनका प्रोग्राम आया, देखिए एक्टर और पॉलिटिक्स का नाता है भारत में भी आपको देखने को मिलेगा। जो एक्टर्स होते हैं, उन जो बड़े एक्टर्स होते हैं वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। जैसे साउथ में आप देखिए जयललिता को देख लीजिए, रामचंद्रन को देख लीजिए, एमसीआर को देख, एमजीआर को देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, ये पॉलिटिक्स में वहां पे आ गए, ये सब एक्टर्स थे। कमल हसन को देख लीजिए, रजनीकांत को देख लीजिए, दी आर ऑल इन पॉलिटिक्स। वहां पे जो लोग हैं ना उनके ऊपर जान छिड़कते हैं। और एक्टर्स, एक्टर्स जो होते हैं वो थोड़े सेंसिबल भी होते हैं, भले हम लोग सब नहीं, कुछ एक्टर जो हैं वो थोड़े सेंसिबल होते हैं, ठीक है, लोग उन पे भरोसा करते हैं। एक तो रियल लाइफ में हम उनको देख रहे हैं कि यार वो एक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई ये मतलब बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो लोगों का तो वैसे ही परसेप्शन चेंज होता है। मैं बॉलीवुड एक्टर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ साउथ के एक्टर्स। वाकई में आप उनको देखेंगे कि वो एक परिवार की तरह है ना, वो तो एक परिवार की तरह है। साउथ में क्या है ना, जैसे अभी राजकुमार की मृत्यु हुई, कन्नड़ एक्टर, कर्नाटक के, मैं अभी बैंगलोर गया था दोस्तों 3 महीने पहले, वहां पे जो टैक्सी ड्राइवर था वो रोने लगा उसके बाद बताते। एक टैक्सी ड्राइवर का इतना ज्यादा कनेक्शन, जगह जगह पे उसकी मूर्तियां बनी थी, मूर्तियां नहीं मतलब बैनर्स लगे हुए थे, क्योंकि वो उससे कोई भी मिल सकता था, कोई भी आके उससे अपनी प्रॉब्लम बता सकता था, उसकी सॉल्व करता था, वहां पे ये रोल है, ठीक है। बॉलीवुड एक्टर्स तो आप भूल ही जाइए, वो तो उनसे मिलना क्या, उनको तो देखना ही, मुझे समझ भी नहीं आता इतनी इंपॉर्टेंस ही क्यों दी जाती है। तो यहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये एक एक्टर है, सर्वेंट्स ऑफ द सिटी ने वही जो इन्होंने रोल प्ले किया कि वो नायक मूवी देखी ना, उस तरीके का इनका रोल था कि ये इंटरव्यू करते हैं, एक टीचर होते हैं 30 साल के शो में, और उसके बाद ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हो जाते हैं और वहां पे करप्शन को एक्सपोज करते हैं। ये वो लोगों के मन में बैठ गया और बोला कि भाई हमको राष्ट्रपति चाहिए तो ऐसे ही चाहिए। और 2019 में मतलब उस शो में भी इन्होंने प्रेसिडेंट का ही रोल प्ले किया था और 2019 में फिर ये राष्ट्रपति बन गए। तो ज्यादा पुराने नहीं है ये और इनका कार्यकाल अच्छा रहा है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कैसे। तो ये चीज है, अगर हम इनकी बात करें दोस्तों तो ये यहूदी है, ही इज अ ज्यू। 25 फरवरी 1978 में, क्या बात है, अरे 25 जनवरी 1978 में इनका जन्म हुआ। तो ये ज्यूज हैं, तो माइनॉरिटी में यहूदी हैं। इनके जो दादाजी थे वो रेड आर्मी में काम करते थे, इनके पिताजी भी मतलब भाई वर्ल्ड वॉर टू के समय काम करते थे आर्मी में, और इनके दादाजी और उनके भाइयों को होलोकॉस्ट में मार दिया गया था, ठीक है। यहूदियों को तो मारा जा रहा था ना भाई, कल प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति को फोन करके, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति उनको फोन करके बधाई दी है, बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे बच्चों को निकाल दिया। पता है क्यों, जब हिटलर ने इन्वेड किया था पोलैंड को 1939 में सितंबर, जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था, तो यहूदी जो है वो 50% से वहां पे ज्यादा रहते थे, तो यहूदियों को मारा गया। उस समय भारत के एक राजा ने मदद की थी, क्या आप नाम बता सकते हैं, तो वो कर्ज इन्होंने चुकाया। तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है एक ज्यूज है। अब देखिए यहूदियों की हम तारीफ करेंगे, मैं थोड़ी तारीफ करूंगा, यकीनन वो जो फिलिस्तीन में कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन यहूदियों का जो जेनेटिक है ना, कुछ होता है ना कि जैसे
जो मारवाड़ी है उनको खून से ही बिजनेस मिला है, ठीक है, जो ब्राह्मण है वो खून से ही टीचिंग वो करते हैं, ऐसा है। हालांकि आप यहां पे कुछ कर सकते हो, लेकिन कुछ होता है, कुछ तो है, पता नहीं। अब यहां पे यहूदी जो है वो कुछ टैलेंटेड होते ही है, वो जूद बहुत टैलेंटेड होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग होते हैं, ठीक है। तो वो राष्ट्रवादी गजब भाई, इसराइल में देख रहे ना नेशनलिज्म कितना ज्यादा है। इनको ऑफर मिला था जब ये अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, तो इनको ऑफर मिला था कि तुम इसराइल में जाके पढ़ाई अपनी पूरी करो, क्योंकि यहूदियों के लिए स्पेशल पैकेज चलते हैं पूरी दुनिया भर में। यहूदियों का इतिहास आप देखिए ना भाई, 2000 सालों का इतिहास, बहुत बिखरा हुआ इतिहास है उनका, दर्द भरा है, हर जगह उनको मारा काटा गया है, ठीक है। उनके ऊपर भी हालांकि आरोप लगते हैं कि उन्होंने भी अब जो कर रहे हैं वो, अब जो मतलब वो कर रहे हैं वो भी गलत है। तो ये जो यहूदी होते हैं ना, ये थोड़े नेशनलिस्टिक टाइप होते ही हैं। तो भाई अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है, ही वाज अ ज्यू, माइनॉरिटी में थे, ज्यूइश पेरेंट्स के यहां पैदा हुए थे, लेकिन यूक्रेन ने इनको हाथों हाथ लिया। अब इसके बाद इनकी स्कूलिंग हुई, ठीक है, इन्होंने इंग्लिश सीखी पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, देन ये नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी गए, वहां पे पढ़ाई की, उसके बाद इन्होंने लॉ डिग्री ली, तो ही इज हाईली क्वालिफाइड। हालांकि कभी भी इन्होंने लीगल फर्म, कभी इन्होंने नौकरी वोकरी नहीं की, एक्टर बने ये 1997 में, 1997 में भाई इनका एक्टिंग करियर 20 साल का रहा है, दो दशकों का रहा है, तो ये एक्टिंग करने लगे। हालांकि इनका सबसे पहला शो आया था क्रावताल, ठीक है, तो नहीं नहीं सॉरी अरे हाँ ठीक है, कॉमेडी ट्रूप शो नहीं था। देखिए शुरुआत में क्या थे, ये क्लाउन बनते थे, आप इनके एक्ट देखिएगा, क्रावताल वहां पे कॉमेडी ट्रूप था, होता ना कॉमेडी ग्रुप जाता है सर्कस में परफॉर्म करता है, लोगों के सामने परफॉर्म करता, 1997 सर्कस था, तो अब ये इनको करना बड़ा पसंद था, तो अब ये वहां पे जाते थे, परफॉर्म करते थे, एक्ट्स करते थे, इनफैक्ट अभी भी ये कॉमेडी एक्ट करते रहते, लेकिन इनका सटायरिकल एक्ट होता है। ये यूक्रेन में जो करप्शन हो रहा है, यूक्रेन में जो प्रॉब्लम्स है, उनको सटायरिकली ये बताते थे, और सेंसिबल बहुत ज्यादा थे, इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा थे, लेकिन जब आप इनके एक्ट देखेंगे खुद भी बहुत हंसी आएगी, है ना, कभी इधर उधर नाच रहे हैं, कभी जोकर के साथ नाच रहे हैं, कभी ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि पता नहीं क्या लग रहा है, बट स्टिल ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड अ कॉमेडियन। तो शुरुआत तो इन्होंने एज अ कॉमेडियन की, उसके बाद फिर इनको टीवी शोज में बहुत ज्यादा काम मिला, एक के बाद एक इनको टीवी शोज मिले, देन मूवीज में भी इन्होंने एक्ट किया, लेकिन कार्टून फिल्म प्रोड्यूस की, ठीक है, बहुत सारी टेलीविजन शोज इन्होंने प्रोड्यूस किए, उसमें काम भी किया, लेकिन ये जो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, मैंने सिटी बोल दिया था, आई एम सॉरी, तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, ये इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन का ही रोल प्ले किया था। क्या बात है, मतलब ये इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन निभाया। अब इनको नहीं पता था कि मैं आगे आने वाले समय में सच में यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाऊंगा। सो इज बेसिकली पॉलिटिशियन एंड एक्टर। तो इनका जो कॉमेडियन करियर है, वो जब 17 साल के थे ना, इनको शुरुआत में पढ़ाई तो उन्होंने ले ली, लेकिन काम करना इनको ज्यादा पसंद नहीं था, इनको कॉमेडी या एक्टिंग ही करना ज्यादा पसंद था, नौटंकी बात शुरू से ही थे। उसके बाद ही वाज आल्सो स्टार्ट इन अ फीचर फिल्म नेम लव इन द बिग सिटी। हाँ, लव इन द बिग सिटी के तीन पार्ट्स आए हैं, लव इन द बिग सिटी 2, फिर उसके बाद 3, ये तीन पार्ट्स इनके आए हैं, और बहुत सारे ऐसे सिटकॉम्स थे, बहुत सारे ऐसे शोज थे जिसमें इनको फीचर किया गया। ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ यूक्रेन दैट इम्पोज अ बैन ऑन रशियन आर्टिस्ट इन यूक्रेन। तो यूक्रेन ने भाई रशियन आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया था, उसके भी मेंबर थे ये, ठीक है। यूक्रेन डिवाइडेड है, एक ईस्टर्न यूक्रेन है जहां पे आपको रशियन पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, एक है वेस्टर्न यूक्रेन जहां पे आपको रशियन पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। बेसिकली ये सब स्लाव्स हैं, ठीक है ना, स्लाव्स एथनिसिटी। अगर आप हिस्ट्री, चलिए किसी दिन क्या कल ही मैं हिस्ट्री भी इनकी कवर कर दूंगा, अभी टॉपिक से थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इनका जो सबसे फेमस रोल है, दैट इज द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, जो कि 2015 से लेकर 2019 तक आया, और जब ये शो खत्म हुआ तभी इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि हाँ मुझे लोगों के लिए काम करना है। इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उस समय यूक्रेन बहुत ही अनस्टेबल था, बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, इलेक्शन लड़ा, लोगों ने भर भर के इनको प्यार दिया, और ये हो गए प्रेसिडेंट। अब ज़ेलेंस्की ने भाई हाई स्कूल हिस्ट्री टीचर, जो कि अपने मतलब 36 साल का था वो, अपनी लेट 30s में था, वो रोल प्ले किया था, और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाता है, और उसमें आप ये समझ सकते हैं कि यूक्रेनियन सरकार में उस समय बहुत ज्यादा करप्शन था, तो उसको ये एक्सपोज करता है, ठीक है, उसके खिलाफ ये लड़ता है। वो नायक मूवी नहीं देखी ना, कुछ इस तरीके का उनका रोल था, जैसे अनिल कपूर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही ये शो खत्म हुआ, ज़ेलेंस्की ने बोला भाई बेस्ट है, मैं अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ूंगा।
आप पॉलिटिकल करियर देखिए, देखिए यूक्रेन की पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया रशिया ने, ठीक है। तो जब क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स किया, विक्टर यानुकोविच प्रेसिडेंट थे उस समय, प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे, यूक्रेन जो है वो यूरोप की तरफ जा रहा था, ठीक है। देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रो वेस्ट है, अमेरिका और यूरोप की तरफ काफी ज्यादा झुके हुए हैं। अब यहां पे यूक्रेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, एक डील ऑफर की, विक्टर यानुकोविच को बुलाया, लेकिन वो तो रशिया के साथ है तो वो मीटिंग छोड़ के चले गए। अब यहां पे यूक्रेन के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हम तो यूरोप के साथ जाना चाहते हैं। उसी वक्त रशिया ने बोला कि भाई इसको तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, ठीक है। तो ये हिसाब किताब हुआ। सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी ईस्ट यूक्रेन में चला, डोनेस्क और लुहांस, डोनेस्क और लुहांस का एरिया जो है वो बन गया उस समय। तो उस समय हम ये देखते हैं पेट्रो पोरोशेंको जो है वो प्रेसिडेंट बने 2014, यूक्रेन बहुत कमजोर था और ये सब देख रहे थे, ठीक है। यहां पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की देख रहे थे। फिर हम ये देखते हैं कि 5 साल बाद, इसके 1 साल बाद इन्होंने ये शो निकाला। ये इतना ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि देखिए भाई यूक्रेन को एक्चुअली में तो जाना था यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, लेकिन वो हो नहीं पाया। ऊपर से जो यूक्रेन बट गया, ठीक है, लुहांस और इधर ईस्टर्न यूक्रेन वाला एरिया था वो अलग अलग, क्या मतलब वहां पर रिबेलियन, रिबेल्स जो थे जो कि रशिया सपोर्ट कर रहा था, उन्होंने उसको कब्जा कर लिया, ठीक है। ये हिसाब किताब। 1 साल बाद इन्होंने यही सर्वेंट्स ऑफ द पीपल शो निकाला और उसके बाद वो इतना ज्यादा हिट हुआ, यूक्रेन की 4.5 करोड़ की जनता ने उसको बहुत प्यार दिया। हम ये देखते हैं फिर एंटी करप्शन सेंटिमेंट, क्योंकि इस समय करप्शन भी बहुत ज्यादा हुआ और लोगों ने अब ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करना शुरू किया। बेटा तो 2019 में तुमने जो बहुत बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, ज़ेलेंस्की ने सबके जवाब दिए, तुमने जो वादा किया है वो तो अब तुमको निभाना पड़ेगा। 2019 में इलेक्शन हुए, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा और यहां पे पोरोशेंको को डिस्पीट किया, पे हराया बुरी तरीके से, लैंडस्लाइड, 73.2% वोट मिले। 20 मई 2019 को ये बन गए राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब रहा। अब सितंबर, ये यहां पे इनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, ये यहां पे ओलेना जो है इनकी वाइफ है, ठीक है, आप इसमें तस्वीरों में देख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब दोस्तों यहां पे बात है कि अभी कैसे सिनेरियो चेंज हुआ है। ये यूरोपियन यूनियन नेटो की बहुत ज्यादा बात करते थे। देखिए एक तो है ये इजराइल, ज्यूज, यहूदी माइनॉरिटी बंदा बना है राष्ट्रपति। अब अगर आप देखो ध्यान से तो अमेरिका इजराइल को अपना छोटा भाई मानता है, यहूदी सबसे ज्यादा इजराइल के बाद अमेरिका में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है नेचुरल अलाइनमेंट ही यहूदियों का अमेरिका में होता है। उसका रीजन भी बताता हूं। अमेरिका ने कुछ भी कहिए, आप 50 गाली दे दीजिए, लेकिन स्टिल अमेरिका एक, अगर चुनना पड़े तो अमेरिका इज अ गुड लीडर। लोग अभी भी अमेरिका में जाते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे आजादी है काफी ज्यादा। और यहूदियों को अमेरिका ने उस समय शरण दी थी जब यहूदियों को मारा काटा जा रहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन भी निपट ही जाते, वो भी यहूदी थे, यहूदी बहुत टैलेंटेड होते भाई, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये तो भाई नेटो और यूरोप की तरफ जाएंगे ही, तो लगातार उनकी तरफ झुकाओ। अब रशिया जो है वो बार बार ये बोल रहा था कि बेटा मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, तुम क्यों जा रहे हो, मत करो, लेकिन ये माने नहीं। और रशिया ने क्या किया, इन्वेड कर दिया, ठीक है। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, पहले तो इनके ऊपर बहुत ही इमैच्योरिटी का आरोप लग रहा था, वो तो अभी भी है, कि तुम्हारी वजह से यूक्रेन के लोग मर रहे हैं। रशिया ने बहुत समझाने की कोशिश की, मान जाओ बेटा, मान जाओ, सब ठीक है, तुम क्यों नेटो ज्वाइन कर रहे हो, मत करो, नहीं मानिए। लेकिन उसके बाद जब रशिया ने इन्वेड किया तो भाई बहुत लोग मारे जाने लगे। अमेरिका ने इनको मदद भेज दी कि भाई तुम छोड़ के आओ और हमारे साथ रहो, इमरजेंसी प्लान तैयार CIA का। लेकिन उसी समय इन्होंने एक वीडियो जारी किया, यूक्रेन, इन्होंने ये बोला था युद्ध के दूसरे दिन, क्योंकि अमेरिका यूरोप ने सबने हाथ फेर लिए थे, सबने, भारत से भी मदद मांगी किसी को नहीं, ऐसा लग रहा था यूक्रेन तीन चार दिन में इनका खेल खत्म। लेकिन यहां पे अमेरिका और, मतलब इन्होंने बोला कि हमको अकेला छोड़ दिया गया है, आप सबने हमको अकेला छोड़ दिया। अगला दिन आता है, इमरजेंसी प्लान तैयार, शाम को निकलने वाले थे, इन्होंने एक वीडियो जारी किया रात में। उसके बाद सब बदल गया, इन्होंने देश को छोड़ने से मना कर दिया, बोला कि मैं देश को नहीं छोड़ूंगा। अशरफ घनी छोड़ के चले गए थे, कितने लोग, कितने प्रेसिडेंट छोड़ के चले गए कि भाई हमको जिंदा रहना है, हमको काम करना है, कोई बुराई नहीं, ठीक है। लेकिन इन्होंने देश छोड़ने को मना कर दिया कि मैं देश छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहां हूं, हमारे प्रधानमंत्री यहां है, हमारी कैबिनेट यहां है, आपके सोल्जर्स यहां हैं और हम आपके लिए लड़ेंगे, हम यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे। ये जो वही कहता ना लीडर, इतिहास में आपने देखा होगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत क्यों हारे,
क्योंकि हेमू जीत रहे थे सब कुछ। हेमू ने भाई मुगलों का काम तमाम कर दिया था, लेकिन एंड वक्त पे हेमू को एक तीर लगा। लीडर गया तो सब गया। लीडर अगर अच्छा है तो समझ लीजिए कि आप कितने भी कमजोर हो वो मोटिवेशन रहता है। आप समझ रहे हो, नेपोलियन ने फ्रांस को जीरो से खड़ा किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। जब सब कुछ खत्म हो गया था तो नेपोलियन एकदम, जब वो इथियोपिया कैंपेन पे गया सबके कंधे झुके हुए थे, नेपोलियन ने मोटिवेट किया। तो लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी लीडरशिप की वजह से अब पासा पलट चुका है पूरी तरीके से। आप समझिए कि अमेरिका सपोर्ट दे रहा है, जर्मनी, पूरा का पूरा यूरोप लग गया इनको सपोर्ट देने में। सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई रशिया के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आपको पता है एलेक्सी नवालनी ने तो, जो कि रशिया व्लादिमीर पुतिन के मेन ओपोनेंट है, उन्होंने बोला है कि भाई पुतिन के खिलाफ सबके सब खड़े हो जाओ। और रशियन 7,000 से ज्यादा सोल्जर्स, 7,000 से ज्यादा सैनिक रशिया के मारे जा चुके हैं, बहुत बड़ा नंबर है। ये लेक्चर है। अब दोस्तों इसके मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, मैं ठीक है एक चीज आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली यहां पे मुझे अभी बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। हम लोग ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, नया कोर्स लॉन्च किया है। अरे इसको तो ऐसे नहीं करना है, चलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं वो कौन सी इसके बाद पीपीटी थी। आपको भी लग रहा होगा कि सर क्या बात है सर, अब ऐसे करते हो, रुको मैं इसको यहां पे करता हूं, इसको छोड़ता हूं मैं, ठीक है। हम सीधा अब एंड्रॉइड पे जाते हैं और मैं बोर्ड पे आता हूं सीधा। ओके तो ये जो कोर्स है, सबसे पहले तो दोस्तों सी सैट का कोर्स हमने लॉन्च किया है। सी सैट का जो कोर्स है इसमें आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 100+ आज है, विश्वास नहीं करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमने 1500 का निकाला है, 2000 इसका प्राइस रखा है, सिर्फ 6 मार्च तक की ऑफर है। सी सैट में जिन भी लोगों को प्रॉब्लम है ये कोर्स को अवेल करें, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, बहुत शानदार कंटेंट है। हमको बहुत लोगों ने बोला इसका थोड़ा दाम ज्यादा रखो, और इसकी जो वैलिडिटी है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सबसे मेन जो कोर्स है, ठीक है, जो हमारा मेन कोर्स है वो है हमारा लाइव कोर्स। ये वाला दोस्तों जो आपको कोर्स मिल रहा है, ये वाला, इसमें सारी की सारी लाइव क्लासेस होंगी, पहले आपको यह समझना है, ठीक है, सारी की सारी यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। और इसमें आपको CSAT भी मिल जाएगा, आप समझ रहे हो, इसमें आपको, रुकिए जरा मैं इसको पहले इसको यहां पे कर देता हूं, ठीक है, इसमें आपको CSAT भी मिल जाएगा। तो बेस्ट यही है कि आप ये कोर्स लो, इसमें आपको पूरी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी जो कि हफ्ते में 5 दिन होंगी, टेस्ट सीरीज बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में, करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, CSAT तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पता है कितने का यह कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 2400 का, दैट्स इट, 2400 का, 3000 इसका प्राइस है, श्योर 25 आप यूज करो। तो अगर आप चाहते हो यूपीएससी एग्जाम निकालो तो इस कोर्स को लीजिए, 6 मार्च तक की ऑफर रहेगा और उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये बस मुझे आपको बताना था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्नि होत्री, साइनिंग ऑफ।